नमस्ते फ्रेंड्स, हाउ यू डूइंग? आई होप यू आर डूइंग फाइन। तो आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर, इन तीन में क्या डिफरेंस है और कौन सा मेरा फेवरेट मार्केट प्लेस है जहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं एज ए फ्रीलांसर। सो इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए एंड आई एम श्योर दैट यू विल बी लर्निंग समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो टुडे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू स्टे कनेक्टेड विद द इंडियन फ्रीलांसर। Also, click on the bell icon so that you never miss a video. Okay, so जल्दी से ये वीडियो कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत दिन पहले मैं एक ब्लॉग पोस्ट लिखा था, वहाँ पे आई टोल्ड यू द टॉप थ्री मार्केट प्लेसेस अकॉर्डिंग टू मी वेयर आई हैव वर्कड एंड वेयर आई हैव वर्कड एज अ फ्रीलांसर एंड व्हिच यू कैन ऑल्सो ट्राई आउट, राइट? सो दोस टॉप थ्री प्लेसेस मार्केट प्लेसेस आर upwork.com, freelancer.com and fiverr.com. In my blog, I have actually written two or three different posts on the same topic. So I'll leave a link to all these posts in the description. Please go there and वहाँ से वो blog post भी पढ़ लीजिए तो आपको आसानी हो जाएगा समझने में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ और कहाँ से I'm bringing this thought up, right? All right. So let me tell you about the three different platforms first and then I'll tell you at the end of the video which is my favorite platform. All right, so to start with, we'll take the name of freelancer.com. freelancer.com actually wo pehla website hai jahan pe main khud register kiya tha, login kiya tha, aur as a freelancer I earned my first couple of dollars, whatever it was. Okay, so that was freelancer.com way back in 2009 or 10. Okay, so that was long back, almost 8-9 years ago. To freelancer.com में क्या है, उसमें सिस्टम सीधा सीधा है। वहाँ पे बायर्स आते हैं, दे पुट देयर रिक्वायरमेंट्स इन द जॉब लिस्ट। सो व्हेन यू गो एंड सर्च फॉर जॉब्स, यू विल गेट ऑल द जॉब्स लिस्टेड बेस्ड ऑन योर स्किल सेट्स, ठीक है? तो वहाँ पे आप जाओगे, आप जॉब्स का टाइटल पढ़ोगे, रिक्वायरमेंट्स पढ़ोगे, पढ़ने के बाद जो भी जॉब आपको अच्छा लगे, जो भी ऐसा लगता है कि आपको वो आप वो जॉब कर सकते हो, वो जॉब आप अप्लाई करोगे, right? So you write a short note to the buyer or whoever has given the job. So वहाँ पे लिखते हो आपके why you are the best guy for the job. Then you ask for some money. Then you ask for milestones, which is not there in Fiverr. It's there on Upwork a little bit. And then you tell your skill sets so that the buyer knows that why you are the best guy for that job. And वो आप बिड करते हो, इट्स काइंड ऑफ ए बिड। नाउ बेस्ड ऑन हिज बजट एंड हिज टाइम लाइन्स ही विल सिलेक्ट द बेस्ट बिडर, राइट? द बेस्ट बिड, और जो उसको अच्छा लगे उसी को वो जॉब देगा। नाउ फ्रीलांसर बहुत पुराना वेबसाइट है, बहुत साल हो गए उसके, और देर आर लॉट ऑफ यूजर्स, बोथ बायर्स एंड सेलर्स बोथ आर इन ह्यूज क्वान्टिटी इन freelancer.com। तो एक एक जॉब जो वहाँ पे लिस्ट होता है, एक एक लिस्टिंग के लिए यू विल फाइंड लाइक 30, 40, 50, even 100 पीपल अप्लाइंग फॉर दैट वन पोस्ट, ओके, वन जॉब। सो देयर द कंपटीशन इज टू हाई, ओके, एंड इफ यू हैव जस्ट स्टार्टेड इट मे टेक यू सम टाइम टू एक्चुअली गेट द फर्स्ट ऑर्डर, ओके। अगर आप लकी रहे, कोई आपको फर्स्ट ऑर्डर दे दिया, 2-3 ऑर्डर आपके पास आ गए, 5-6 ऑर्डर, 10-12 ऑर्डर, 15 ऑर्डर हो गए, उसके बाद से धीरे धीरे आपका जल्दी जल्दी ऑर्डर मिलेंगे क्योंकि पीपल कैन चेक योर रिव्यूज़ एंड सी योर रेटिंग्स एंड बेस्ड ऑन दैट दे कैन चूज़ यू फॉर देयर रिक्वायरमेंट, वॉट एवर रिक्वायरमेंट इट इज़। नाउ दैट वॉज freelancer.com। सिमिलरली है upwork.com। नाउ द डिफरेंस बिटवीन अपवर्क एंड फ्रीलांसर इज़ दैट अपवर्क में जो बायर है वो नॉर्मली जाता है एक लॉन्ग टर्म सोच के, उसको लगता है कि आई हायर दैट गाय, हायर द सेलर फॉर लाइक 6 months, 1 year, 3 months, दैट वे फॉर लॉन्ग टर्म, राइट? लेकिन freelancer.com में वो एडॉक काम होता है, छोटा छोटा वर्क होता है, छोटा छोटा प्रोजेक्ट होता है, आप ये खत्म करो निकलो, काइंड ऑफ दैट। बट यू ऑल्सो गेट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स इन freelancer.com एज वेल, नॉट सीइंग दैट। लेकिन नॉर्मली अपवर्क में जब जाते हैं, अपवर्क में आप जब भी सेलिंग करने जाओगे एज अ सेलर, एज अ फ्रीलांसर, यू विल ऑल्सो लुक फॉर जॉब्स व्हिच विल पे यू फॉर अ लॉन्गर टाइम, ठीक है? सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अपवर्क एंड फ्रीलांसर। तरीका वही सेम है, अपवर्क में भी आपको जॉब लिस्टिंग मिलेंगे, आपको जॉब ढूंढना पड़ेगा, वहाँ जाके बिड करना पड़ेगा,
अपवर्क का बीडिंग थोड़ा अलग होता है, अपवर्क में इंटरव्यू काइंड ऑफ भी होता है जहाँ पे द बायर कैन एक्चुअली आस्क यू क्वेश्चंस, यू कैन गेट इन टू ए लाइव चैट एंड आंसर द बायर्स क्वेश्चन, एंड इफ द बायर इज़ हैप्पी विथ योर आंसर्स देन ही विल बी सिलेक्टिंग यू फॉर द जॉब। नाउ क्या होता है वहाँ पे, वहाँ पे भी अपवर्क क्योंकि वो एक बहुत पुराना वेबसाइट है जैसे freelancer.com है, वहाँ पे भी बहुत सारे आपको कंप्यूटर्स मिलेंगे। द फॉर द सेम वन जॉब दैट इज़ लिस्टेड यू विल गेट लाइक मैनी, आई मीन 60 60 टू 40, 40 60 80 100 पीपल आस्किंग फॉर द सेम जॉब और बिडिंग फॉर द सेम जॉब। एंड द वर्स्ट थिंग इज़ वहाँ पे आवरली रेट रहता है, ठीक है, पर आवर हाउ मच यू विल बी चार्जिंग फॉर द जॉब, एंड पीपल आर इवन रेडी टू वर्क फॉर वेरी वेरी लो प्राइसेस। ओके ओके, सो दैट इज़ एक्चुअली ए डिफरेंट टॉपिक लो प्राइस वाला, वो हम बाद में बात करेंगे। हालांकि मैंने अपने ब्लॉग में लिख के रखा है, ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में जैसे मैंने बताया है, इट इज़ द इंडियन फ्रीलांसर डॉट कॉम, आप वहाँ पर भी जा सकते हो, देख सकते हो, आई हैव रिटन अबाउट इट, बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, विल टॉक अबाउट इट। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट मुद्दा नहीं है आज का, मुद्दा ये है कि डिफरेंस और सिमिलरिटीज़ क्या है। सो अपवर्क ऑल्सो इज़ ए वेरी कंजेस्टेड एंड वेरी वेरी हाईली कंपिटिटिव मार्केट प्लेस, सो इफ यू आर स्टार्टिंग ऑन अपवर्क इट विल टेक सम टाइम फॉर यू टू गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो बिडिंग प्रोसेस आपको सीखना पड़ेगा, इस दिस थिंग्स यू नीड टू लर्न, हाउ टू बिड, हाउ टू अपेयर इंटरव्यूज, हाउ टू डू वेल, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ बेटर, ओके, ऑल दिस यू हैव टू लर्न। नाउ द थर्ड वन, द थर्ड वन इज़ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम दिस टू, ओके, द थर्ड वन इज़ fiverr.com। नाउ fiverr.com में क्या होता है, वहाँ पे आप अपना प्रोफाइल बना सकते हो, प्रोफाइल के साथ साथ आप अपना एक डिस्प्ले भी बना सकते हो, डिस्प्ले इन सेंस यू कैन डिस्प्ले योर इमेजेस, यू कैन पुट अप योर वीडियोस, ओके, यू कैन शो योर प्रीवियस वर्क। सो आपका जो गिग रहता है, गिग इन द सेंस आपका प्रोफाइल जो रहता है उसमें आप ये सब डाल सकते हो, तो जो बायर आ रहा है, जो आपको सर्च कर रहा है, वो डायरेक्टली आपका पुराना काम भी देख सकता है साथों साथ। इवन इफ यू डू नॉट हैव एनी सेल्स ऑन फाइवर फ्रॉम डे वन, दे कैन एक्चुअली सी योर प्रीवियस वर्क, क्योंकि आप वो प्रीवियस वर्क का इमेज बना के वहाँ पर चिपका के आप दिखा सकते हो कि ये बॉस, दिस इज़ वॉट आई हैव डन एंड दिस इज़ वॉट आई कैन डू, इफ़ यू वॉन्ट समथिंग लाइक दिस आई एम योर मैन, राइट। सो ये चीज़ आप फाइवर में ही कर सकते हो, आप फ्रीलांसर या फिर अपवर्क में नहीं कर सकते, ठीक है। आप फ्रीलांसर में भी वही सब दिखाएगा, प्रीव्यू दिखाएगा, जो काम आप ऑलरेडी कर चुके हो, डिलीवर कर चुके हो, उसका प्रीव्यू कभी कभी दिखाता है, ओके। ऑलराइट, अपवर्क में शायद ऐसा कुछ आई एम नॉट श्योर है नहीं, लेकिन आप यू कैन सेंड द बायर टू सम पोर्टफोलियो लिंक और योर वेबसाइट फ्रॉम दोस प्लेटफॉर्म्स। ऑलराइट, तो फाइवर में ऐसा है, आपने बना दिया, आपने इमेज बना दिया, वहाँ पे बता दिया कि ये काम मैं कर सकता हूँ, ऐसा ऐसा मैंने प्रीवियसली काम किया है, सो बेस्ड ऑन दैट दे कैन एक्चुअली मेक अ डिसीजन वेदर टू हायर यू और नॉट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट द मेंटलिटी ऑफ बायर्स इन फाइवर इज़ लाइक दे कम हियर फॉर ए $5 गिग, ठीक है। तो आप एक काम करोगे, छोटा काम करोगे, $5 वो लोग देंगे आपको, वहाँ से $4 मिलेगा 20% फीस काट के, दैट्स ऑल डन ओवर। नेक्स्ट टाइम ही वॉन्ट समथिंग, इफ़ यू डू ए गुड जॉब ही विल कम बैक टू यू, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। तो यहाँ पे ना एक जॉब लैंड अप करना फॉर योर फर्स्ट जॉब और फर्स्ट फ्यू जॉब्स इट इज़ वेरी मच ईजियर देन डूइंग इट ऑन freelancer.com और upwork.com। इसलिए इफ़ यू आस्क मी पर्सनली आई विल सजेस्ट दैट यू स्टार्ट, इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग, स्टार्ट विथ fiverr.com। fiverr.com में बायर्स उन्हीं लोगों के पास जाते हैं जो कि वही थॉट लेके जाते हैं कि जल्दी जल्दी काम निपटाना है, निपटा के मुझे वहाँ से निकलना है, ओके। सो दैट्स द एडवांटेज ऑफ वर्किंग इन fiverr.com। इन तीनों में से अमंग दिस थ्री प्लेटफॉर्म्स आई लव fiverr.com बिकॉज इट गिव्स ए लॉट मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू द सेलर एंड इवन द बायर वाइल चूजिंग। नाउ सेलर के लिए अच्छा ये बात है कि वो बिना कोई काम किए, मतलब बिना वहाँ पे पहला जॉब लिए, ही कैन शो हिज़ वर्क, ही कैन शो हिज़ वर्क इन टर्म्स ऑफ वीडियोज़ और इन टर्म्स ऑफ इमेजेस, राइट। वो बाकी में नहीं है, वो बहुत बड़ा एक पुश है। ट्रस्ट मी, इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग यू विल नो, और यू हैव डन फ्रीलांसिंग फॉर सम टाइम यू विल नो दैट हाउ मच बिग एडवांटेज इट इज़ टू शो योर ओन स्किल्स बिफोर यू कैन एक्चुअली लैंड अप ऑन अ जॉब। तो वो आपको फाइवर देता है, वो प्लेटफॉर्म फाइवर आपको देता है, और फाइवर आपको छोटा छोटा काम करने का मौका देता है जहाँ कि
आपका रिव्यूज, नंबर ऑफ रिव्यूज, नंबर ऑफ रेटिंग्स आपका झट से जल्दी जल्दी बढ़ सके, ठीक है. एंड नाउ विद दैट 60 डेज रेटिंग सिस्टम, दे आर शोइंग रेटिंग्स फॉर ओनली लास्ट 60 डेज. सो अगर मैं पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ, या फिर कोई ऐसा है जो 5 साल से काम कर रहा है, उसका शायद 1000 रेटिंग हो टोटल, लेकिन जब एक बायर खुलेगा तो उसको वही रेटिंग्स दिखेंगे जो लास्ट 60 डेज में उन्होंने लिया है. तो सपोज इन लास्ट 60 डेज ही हैज वर्कड ओनली 20 टाइम्स, ही हैज गॉट ओनली 20 रेटिंग्स, सो इट विल शो ओनली 20 रेटिंग्स. फॉर मी इट विल शो मे बी 10 रेटिंग्स और 12 रेटिंग्स. अगर आप नए हो, अगर आपके पास 2-3 काम भी है, सो यू आर ऑलमोस्ट एट पार, राइट? यू आर समबडी हु हैज डन 5 जॉब्स, आई एम समबडी हु हैज डन 10 जॉब्स, एंड देयर इज वन मोर हु हैज डन 20 जॉब्स. नाउ 5, 10, 20, दिस इज द डिफरेंस. हालांकि आपने अभी अभी शुरू किया है, 1 महीना हुआ होगा, मैंने 3 साल पहले शुरू किया और वो बंदा 5 साल से काम कर रहा है, ठीक है. सो दैट ब्रिंग्स एवरीबॉडी टू ए मोर और लेस सिमिलर प्लेटफॉर्म, सिमिलर स्टेज. सो दैट इज़ एन एडवांटेज इन फाइवर एज वेल. इन सब कारण के लिए मुझे फाइवर बहुत अच्छा लगता है. एंड इफ़ यू आस्क मी, आई विल सजेस्ट दैट यू स्टार्ट योर कैरियर ऑन फाइवर. जैसे जैसे फाइवर में पता चले आप कुछ कुछ काम करो, तो आपको पता चलेगा कैसे कैसे काम होता है, कैसे डिलीवरी करना है, कैसे किस टाइप ऑफ क्लाइंट्स कैसे बात करते हैं, किस टाइप ऑफ काम को लेना है, किस टाइप ऑफ काम को नहीं लेना है, किसको मना करना है, किसको हाँ बोलना है. सो व्हेन यू लर्न ऑल दिस थिंग्स, देन यू विल बी मोर इक्विप्ड टू गो टू बिगर प्लेटफॉर्म्स लाइक freelancer.com एंड upwork.com एंड कम्पीट विद मोर नंबर ऑफ सेलर्स और फ्रीलांसर्स. ओके, सो इन फाइवर द अदर एडवांटेज दैट यू हैव इज दैट इट्स ए न्यू वेबसाइट, यहाँ पे लोग कम है, यहाँ पे सेलर्स कम है. सो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू बीट दोज कम्पिटिशन, बीट दैट कम्पिटिशन, राइट? सो गेट ऑन विथ फाइवर एज सुन एज यू कैन. एंड इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट फाइवर मोर, देन मे बी आई विल बी टॉकिंग अबाउट दोज इन माई फ्यूचर वीडियोज. सो आपके कोई क्वेश्चन है फाइवर के बारे में, या फिर कोई भी वर्क प्लेस के बारे में, मार्केट प्लेस के बारे में, आप कमेंट में डाल सकते हो. And if you like this video, please give me a like. Don't forget to share this video with your friends and family. And I'll see you in one more video in the next week. This is Stan signing off from the Indian Freelancer. Bye-bye.